The code of Winnipeg is YEG. One thing you have to understand, देखो विनिपेग जो है हमारा वो कनाडा में ऑफलाइन पॉइंट है. विनिपेग जो है कनाडा का वो एक ऑफलाइन पॉइंट है. क्लियर सर, रिपीट करो. विनिपेग YEG, पेन डाउन प्लीज. विनिपेग जो है कनाडा का वो एक ऑफलाइन पॉइंट है. अब आप एक ऑफलाइन पॉइंट को कैसे रूट पे कन्वर्ट कर सकते हो, तो एक कमांड करो, ए करो, करो टाइप करो, ए डेट, जैसे डेट डाल दो, जैसे आपको जाना है अक्टूबर में जाना है, 4th अक्टूबर. क्योंकि आप नॉर्मली क्या करते हो, आप विनिपेग है, इसे क्लियर टू यू. अब विनिपेग जो है हमारा एक ऑफलाइन पॉइंट है टीम, क्लियर. तो हम डालेंगे ए ट्रैवल डेट, जैसे डेट डालो DEL YEG YWG. विनिपेग का कोड है YWG. The code of Winnipeg is YWG/Star Apple Alpha. अब जब ये वाली कमांड करोगे तो आपको सारी रूटीन शो करेगा, मतलब उसके पार्टनर्स कौन कौन से हैं. एक सेकंड अब देखो आप, हमने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली अब ये देखो आप, इसने एक रूट बनाया दिल्ली से टोरंटो, टोरंटो से विनिपेग बनाया रूट. देखो ये कनेक्शन आपको अपने आप उठाया. नॉर्मली क्या होता है, हाउ यू विल कम टू नो कि एयर इंडिया का कनेक्शन एयर कनाडा से कंबाइन होगा, एज अ ले मैन अगर मैं आपसे पूछूं, हाउ यू विल कम टू नो कि जो एयर कनेक्शन जो है वो एयर कनाडा से कंबाइन होगा, कैसे आप मुझे बताओ. आपको नहीं पता लग पाएगा. अच्छा आपको पता लगेगा कि एयर इंडिया मुझे वाया टोरंटो से लेके जानी है. टीम आर यू लिसनिंग? यस सर. How you will come to know as an agent कि मेरे को टोरंटो भी लेके जा सकता हूँ, तो इंडिया सिंगापुर भी वाया जाती है, वाया बैंकॉक भी जाती है. अगर आपको बाय डिफॉल्ट कुछ रूटिंग उठानी है, सिस्टम विल हेल्प यू. हम उसकी फैमिली जैसे मान लो आपको मेरे से कोई काम करवाना है और आप मेरे से ना बात किया, मान लो आपको 20 लोगों से कोई काम करवाना है, क्लियर टीम समझो, आप 20 लोगों से अलग अलग बात करते हैं, उनके हेड से बात करो. सर आपकी ना आवाज काफी समझ कम आ रही है, इको बहुत ज्यादा. वॉइस मैं काफी स्पीड काफी लाउड बोल रहा हूँ. अब आ रही है आपको मेरी वॉइस? नहीं आवाज तो आ रही है, बस समझ कम आ रही है. अच्छा क्लैरिटी नहीं है आवाज? हाँ क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि मैं एक्चुअली बैठा हूँ उसमें लॉबी में ऑफिस की, तो लॉबी में आवाज गूंजती है हमारी ऑफिस की लॉबी में ना. क्लियर, वो ध्यान से समझना. देखो हाँ, पहली बात तो ये है, एक चीज को समझो आप कि मैं क्या आपको डेली बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो आपको एक फैमिली से कोई काम करवाना है, ठीक है, और आप उस फैमिली मान लो 50 बंदे हैं, ठीक है. अब उस 50 बंदों से अलग अलग बात ना करके आप एक फैमिली के हेड से बात करो, समझ आ रहा टीम आपको? ठीक है सर. इसी रीजन से हम लोग यहाँ पे स्टार ए लगा रहे हैं कि हम डायरेक्टली अपने अलायंस से बात करते हैं. उस अलायंस में जितनी भी आपकी फैमिलीज हैं, जितनी फैमिलीज हैं वो आपको उसकी रूटिंग बना के दे देगा. अब वो पहला कनेक्शन क्या है, दिल्ली से टोरंटो एयर इंडिया, समझ आ रहा है? हमने जाना विनिपेग है. टीम बात को समझो, व्हाट आर ऑफलाइन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, लिखो इन टोरंटो, सॉरी इन कनाडा
विनिपेग प्लीज इन कैनेडा विनिपेग WINNIPEG विनिपेग कोमा एडमिंटन EDMENTO एडमिंटन कोमा ओटावा कैलगरी कैलगरी वेरी गुड कैलगरी वाई कैलगरी सबसे पहले कोडिंग लिखोगे विनिपेग का कोड है YWG पेन डाउन प्लीज द कोड ऑफ विनिपेग इज YWG द कोड ऑफ एडमिंटन इज YEG द कोड ऑफ ओटावा इज Y हमें लर्न नहीं करना है अब कमांड करना डॉट CE जो हमने कमांड ओटावा का रिपीट कर कोड कोडिंग आ जाएगी एंड द कोड ऑफ कैलगरी इज YYC ओटावा की क्या थी सर क्या कह रहे हो ओटावा की क्या थी YOW और इसके ऑनलाइन पॉइंट कौन से हैं सर टोरंटो और वैंकूवर टोरंटो वैंकूवर मॉन्ट्रियल तीन ही है बस कैलगरी का क्या था जो ऑनलाइन पॉइंट्स हैं इसके वो है टोरंटो लिखो द ऑनलाइन पॉइंट्स ऑफ कनाडा जहां से हम रूट देखो सिस्टम बाय डिफॉल्ट आपको रूट बताएगा द ऑनलाइन पॉइंट ऑफ कनाडा इज टोरंटो मॉन्ट्रियल एंड वैंकूवर सारे कनाडा में तीन ही ऑनलाइन पॉइंट्स हैं बस ये तीन हमारे ऑनलाइन पॉइंट्स हैं मेजर ओके आपको टोरंटो मॉन्ट्रियल टोरंटो एंड वैंकूवर ठीक है वाई क्लियर हो रहा है आपको क्वेश्चन क्या है कि मुझे विनिपेग जाना है और अपने एक चीज बताऊं अभी तक जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं उनको 10 साल हो गए मार्केट में ऐसी जब कुछ ऑफलाइन क्वेरीज आती है तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार विनिपेग क्योंकि उसके लिए फ्लाइट बहुत कम है हमें उसके लिए कनेक्शन बनाना पड़ता है पहली बात तो विनिपेग लिखो प्लीज विनिपेग एडमंटन के लिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है ओके एडमंटन के लिए देयर इज नो डायरेक्ट फ्लाइट उन फ्लाइट्स को करने के लिए हमें अपने अलायंस की हेल्प लेनी ही पड़ती है उन फ्लाइट को करने के लिए हमें अपने अलायंस की हेल्प लेनी ही पड़ेगी अब मैं कैसे हर एक फैमिली मेंबर से बात कर सकता हूँ जा जाके मैं सिंपल एक कमांड लगाऊंगा कि वो मेरे को सारी फैमिली की रूटिंग दिखाएगा देखो पहला देखो हमने यहाँ पे चार अलायंस की बात कर रहे हैं आज हम तो ये देखो आधा दिल्ली टोरंटो टोरंटो वैंकूवर ऊपर आपकी फ्लाइट है AI और नीचे फ्लाइट है एयर कनाडा इज इट क्लियर टू यू टीम हाँ जी अच्छा फिर यहाँ पे देखो अब EWR है एक चीज को समझो लिखो इफ दोबारा मैं लिखवा रहा हूं इफ वी आर इंडियन पासपोर्ट होल्डर इफ वी आर इंडियन पासपोर्ट होल्डर वी कैन नॉट टेक वी कैन नॉट टेक फ्लाइट वाया US वी कैन नॉट Take flight via US. अच्छा इसमें देखो यहाँ पे वो टोरंटो दिखा रहा है और यहाँ पे वो वैंकूवर दिखा रहा है कनेक्शन में 8 और 9 में दिख रहा है आपको हाँ जी सेकंड पे आप देखो दिख रहा है इधर ये YYC किसका कोड है सर YYC देखो वो अपने आप बना रहा है कैलगरी एक और इंडिकेट करेगा कि आप एक काम करो आप अपने आप बता रहा है वो आपको कि यहां से इंडिया ले जाओ वैंकूवर देखो यहां पे वी क्लास आ रही है टीम नहीं आ रही नहीं आ रही यंकी क्लास है सिस्टम इंडिकेट कर रहा है आपको कि आप यहां से वी क्लास उठाओ क्लियर हो रहा है आपको और आगे से फिर हम तोड़ तोड़ के फ्लाइट कैलगरी और टोरंटो उसको विनिपेग लेके जाएंगे समझ आया टीम आपको मतलब ये कंसेप्ट बता रहा हूं आपको मैं कि कैसे करना अब आपको ये पता लग गया टीम बहुत ध्यान से समझना यहाँ पे सीटें नहीं है यहाँ पे सीटें हैं Why is the most expensive of the class economy economy
अब देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं टोरंटो विनिपेग है सीट क्यू क्लास, बट यहाँ पे तो क्यू क्लास नहीं है, नहीं है। मैं नीचे आऊंगा ईडब्ल्यूआर नहीं ले सकता, मैं नीचे आऊंगा यहाँ पे आ रही है क्यू क्लास और यहाँ पे आ रही है। तो टीम दिख रहा है आपको डिफरेंस क्या है? सोचो पहले वो दूसरे सेगमेंट पे ठीक है क्यू क्लास है, बट यहाँ पे देखो आप टीम लिसन टू मी वेरी केयरफुली ऑल ऑफ यू, नहीं समझेगा स्टॉप करना, क्योंकि यहाँ से आप अपनी मार्केट बीट करोगे। समझो ऊपर क्यू क्लास है टोरंटो के लिए, पहला सेगमेंट बताओ दिल्ली टोरंटो क्यू क्लास आ रही है टीम, टेल मी यस एंड नो। आ रही है सर, आ रही है सर। लेकिन अगर मैं स्टेटस चेक करूं टोरंटो से विनिपेग का तो क्या है वाई क्लास में सीटी है बस, मतलब बहुत महंगा फेयर आ रहा है। समझ आ रहा है टीम आपको? हाँ जी। क्यू क्लास से महंगी के से महंगी एच, एस से महंगी एम पी वाई, कहां जाके फेयर गिरेगा आपका? हर एक क्लास में 20 का डिफरेंस आपका। सर वैनकूवर से अच्छा फेयर आ रहा है, वैनकूवर 11 फॉर 12। अच्छा एक सेकंड, हां अच्छा वीरेंद्र जी आप कैसे पता लगे वैनकूवर से फेयर सस्ता आ रहा है, कैसे पता लगा आपको? वो मैंने क्लास उसमें बीवी खुली है और अपना वो ठीक है, बट एज अ लेमैन अगर आप खाली एडीआई में एरर डालते, अगर आप ये वाली कमांड ना डालते स्टार ए की, हां जी हां जी हां जी, आओ आई वी कम टू नो की कहां से सीटें आ रही हैं, नहीं पता लगता सर। फिर तो इंडिविजुअली सर्च करना पड़ता। हम कैसे सर्च कर सकते हैं इतने सारे मतलब फ्लाइट्स हैं, इतने सारे सेक्टर्स हैं, हाउ मैं सर्च कैसे कर सकता हूं? मैं भगवान तो नहीं हूं। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं सिस्टम पे ये वाली कमांड लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो 8th पे क्यू क्लास आ रही है, नीचे भी क्यू क्लास आ रही है, नीचे भी क्यू, फिर आप बीट कर दोगे। यहाँ देखो एक और यहाँ पे वी क्लास आ रही है और यहाँ पे वी क्लास भी है, आप मार्केट को बीट कर जाओगे इस कमांड से। अब वी क्लास आ रही है पाजी, और वी क्लास और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वी क्लास और वाई क्लास में चेक करो कितना फेयर डिफरेंस है, करो एफ डी क्योंकि मार्केट बीट करनी है, करो एफ डी फेयर डिस्प्ले। समझ आ रहा है पाजी? हाँ जी। देखो हमें अब मुझे पता लगा कि वी क्लास पड़ी हुई है इस रूप में, किस रूप में पड़ी है वी क्लास मेरी? दिल्ली वैनकूवर वैनकूवर कैल विनिपेग, विनिपेग 11 एंड 12 पे आपकी पड़ी है वी क्लास, क्लियर? यस पड़ी है टीम आपको टीम? यस सर एफ डी फेयर डी दिल्ली डी डी एल वो भी नहीं है लेके आ रहा है इसको लिखो पहले कमांड को कॉपी पे एम टी DEL FDDEL डेट, जहां पे आप जा रहे हो फिर डिस्प्ले कौन से क्या होगा टीम, मैं अपनी क्लास की वेरिएशन चेक करूंगा। तो समझ आ रहा है आपको? स्लैश एसी हाइफन ओडब्ल्यू एंटर करो आप इसको, जब आप एंटर करोगे टीम अब ये देखो आप
वी क्लास का फेयर कितना है? 64 का है फेयर। अच्छा नॉर्मली फेयर वाई क्लास में सिटी आ रही है, वाई का फेयर कितना है? 175। सी द डिफरेंस इन द फेयर 110,000। सी द डिफरेंस। हमारा एज ए ट्रेवल एजेंट मेरा काम पहले फेयर बनाने का है टीम, इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? ओके क्लियर माय टीम। अब हमें कमांड लगाते हैं, पहले मैं चेक करता हूं कि मार्केट में फेयर क्या बिक रहा है। टीम लिसन टू मी, पहले मैं चेक करूंगी मार्केट में फेयर क्या बिक रहा है। लिखो हाउ टू चेक मार्केट फेयर, हाउ टू चेक मार्केट फेयर। हम करेंगे एफ एस फेयर सर्च, क्या करेंगे? एफ एस फेयर सर्च, पेन डाउन प्लीज करो यहाँ पे। एफ एस गए कहाँ से? गए दिल्ली से, गए डीडीएल से, गए हम किस डेट पे गए? मान लो हम गए 4th of October से गए, क्लियर। उसके बाद हम कहाँ गए? वाई डब्ल्यू जी की ओर गए, क्लियर। अब ये वन वे है तो आप एंटर करो वन वे, ना ना बस एंटर कर दो। अब मार्केट में क्या फिर आ रहा है टीम आपका? एक सिंगल स्लैश और डबल स्लैश। बच्चे जब हम किसी अलायंस को चेक करेंगे तब डबल स्लैश आएगा, जब मैं किसी फैमिली की पूरी फैमिली चेक करनी है, सिंगल पर्टिकुलर एलियन चेक करनी है तो सिंगल स्लैश आएगा, ठीक है बच्चे? अभी करेंगे वो चीज, अब मैं क्लियर करता हूँ। एंटर कर दिया अब ये दिखा रहा है फेयर हमें 77, बट ये वाया EWR है, न्यूयॉर्क। इंडियन पासपोर्ट होल्डर कैन यू फ्लाई बाय न्यूयॉर्क फ्रॉम ये न्यूयॉर्क? रॉन्ग कनेक्शन। अच्छा ये दिखा रहा है हमारा फेयर दिल्ली फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट मॉन्ट्रियल एंड वाईयूएल इज मॉन्ट्रियल एंड वाटर बिल पैक इज 88,000। क्लियर हो रहा टीम आपको? द फेयर इज 88,000। अब ये वी क्लास आ रही है और वी क्लास हमें मिल भी रही है टीम, टेल मी मिल रही है वी क्लास? अब मार्केट का फेयर है हमें पता लगा 88 का है, अब हम क्या करेंगे? विनिपेग के लिए हम लोग एक चेक करेंगे एयर कनाडा। अब बहुत ध्यान से समझना टीम, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जहां पे मार्केट का फेयर हमें वी क्लास मिल रहा है इस टाइम पे, मतलब गैलीलियो पे हमें वी क्लास जो हमने अलायंस से चेक किया था, फेयर क्या है हमारा 88 का। लेट्स चेक एयर कनाडा पे, डायरेक्ट फ्लाइट तो नहीं होगी, वाया फ्लाइट चेक करो एयर कनाडा पे, चेक करो ए, करो ए। अब वो स्लैश का पता लगेगा आपको, ए 4th of October ओसीटी दिल्ली से गए, क्लियर, विनिपेग की ओर गए YWG स्लैश AC, एंटर करो। अब यहाँ पे बेसिकली अगर मैं वैसे देखूं फ्लाइट आपकी, एयर कनाडा में वी क्लास अवेलेबल नहीं है, नहीं अवेलेबल वी क्लास, डब्ल्यू क्लास। हमें चेक करना कि हमें डब्ल्यू क्लास मिल जाएगा इनसे, क्योंकि वी से सस्ती डब्ल्यू। एक बार एफडी करो, चेक करो कि वी हमें अवेलेबल आ रही है ना, हमें वी से एक लोअर ढूंढनी है, हमें क्या ढूंढना है? वी से एक लोअर, करो एफडी DEL 4th of October YWG / AC-OW एंटर करो। V का फेयर है 64 का और W का फेयर है 58 का, मतलब कहीं ना कहीं 6,000 का फर्क आ रहा है हमें। TSB सस्ती है, अगर हमें SB मिल जाती है मतलब हम V से ऊपर TSW पे सीटें देखनी है। टीम समझ आ रहा है? सर W दो क्यों है? यहाँ पर भी है, 9 नंबर 9 पे भी है और हम सबसे लोअर देखेंगे। मैं कल भी आपको ये बताया था, सबसे लोअर देखेंगे हम। B54 और नहीं W ही है, क्योंकि S ऊपर है हमारी ना, तो हम W ही के लिए देखेंगे, क्योंकि देखो T ऊपर भी है तो T लोवेस्ट है इसकी, मतलब अगर हमें W क्लास मिलती है, देखो ना T ऊपर है, T बहुत लोअर है हमारी, T तो बहुत ज्यादा सस्ती है, T और W में ज्यादा फर्क नहीं है, 58 आ रहा है। समझ आ रहा है टीम? मतलब मैं W और T में कोशिश करूंगा, W T या S में, कि मुझे सीटें मिल जाएं, क्लियर। तो अब चेक करो, पहले हम देखते हैं फ्लाइट में क्या आएगा, पहले चेक करो A। अब हम क्या करेंगे,
सबसे पहले दोबारा बता दें हमें क्या चाहिए, वी क्लास है, कैसे पता था वी क्लास है, अलायंस चेक करो, पहले अलायंस पे लेके आओ अपने आप को। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कौन सी क्लास ढूंढनी है, डब्ल्यू एस ओ पी, समझ आ रहा है टीम आपको? अब हम कैसे एक फैमिली को कंबाइन करें, करो ए डेट, दिल्ली से वाई डब्ल्यू जी डबल स्लैश स्टार ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, डबल स्लैश स्टार ए, कल देखा था आपने मेरा सेशन, आया था वो समझ? हां जी कुछ कुछ आया था। डबल स्लैश स्टार ए में अब क्या आ गया हमारा, मुझे लाइंस यहां पे ढूंढना है कि कहीं पे हमें डब्ल्यू क्लास मिल जाए। नहीं वो दिल्ली वैंकूवर नहीं है ना, फिर मोर फ्लाइट पे क्लिक करूंगा मैं, विल क्लिक ऑन मोर फ्लाइट्स, ये सारी फ्लाइट दिखाएगा फिर। नहीं 18 पे है लेकिन वाया सैन फ्रांसिस्को है, तो वाया यूएस नहीं ले सकते। नीचे आ रही वो वाली फ्लाइट से फ्रैंकफर्ट वाली, फ्रैंकफर्ट नंबर 45 नहीं आ रही है, बी प्ले तो वो महंगी है। हम डेट को फ्लेक्सिबल करते हैं, करो इसी कमांड को, फिफ्थ पे देखो ए 05th October, डी ई एल वाई डब्ल्यू जी स्लैश स्लैश स्टार ए, एंटर करो आप। डब्ल्यू नहीं खुल रही, अब डब्ल्यू नहीं खुल रही है टीम, एक दिन आगे और चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर आपको बताता हूँ क्या करेंगे इसमें। ए हैश वन नहीं कर सकते, अलाइन चलना है, ए डेट डी ई एल वाई डब्ल्यू जी स्लैश स्लैश स्टार ए, ये आपने बोला डाला है, 6 एंटर करो। नहीं आ रही मतलब सीटें, क्लियर। अब क्या करेंगे इस केस में, हम लोग चेक करेंगे कि अदर वेबसाइट पे क्या फेयर है, प्लीज किसी वेबसाइट का नेम मत देना, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है फिर रिकॉर्डिंग कर नहीं पाएगी, क्लियर। टीम अपने मोबाइल पे चेक करो, अभी बताता हूँ कि इसको हम और कैसे करेंगे, नेक्स्ट आपको स्टेप बता रहा हूँ, ये तो अलायंस के थ्रू। अब मैं चेक करूंगा अपना वन वर्ड अलायंस, क्या चेक करूंगा टीम, सेकंड वन वर्ड अलायंस, उसको करेंगे ओ से, किससे करेंगे ओ, पहली फैमिली है स्टार अलायंस की, दूसरी फैमिली क्या हमारी वन वर्ड, ठीक है स्टार ओ और हम एंटर कर देंगे। अच्छा वन वर्ड में नहीं दिखा रहा, ठीक है अब क्या करेंगे, एक बार चेक करो आप, अब एक बार चेक करो, ए डालो, ए अवेलेबिलिटी डेट, हमें डब्ल्यू क्लास लेनी है ना, 20 क्या थी हमारी 4th October दिल्ली टू वाई डब्ल्यू जी स्लैश, आप खुद अपना दे लीजिए, दिल्ली टू वाई डब्ल्यू जी स्लैश ए सी, एंटर करो आप। अब टीम क्या होगा वो ध्यान समझना, इस फ्लाइट को मतलब हम क्या खोलेंगे वो ध्यान समझना, आपके कौन कौन से मेन ऑनलाइन पॉइंट है कनाडा के, टोरंटो वैंकूवर और मॉन्ट्रियल, हाँ जी करेंगे 30 सेक्टर पे सीटें ढूंढेंगे, करो ए, क्योंकि डोमेस्टिक जो है टोरंटो से विनिपेग वो तो बाय डिफॉल्ट खुली मिलेगी आपको, हमें मेन सेक्टर सर्च करना है दिल्ली से टोरंटो, दिल्ली से
वैंकूवर और दिल्ली से मॉन्ट्रियल, तो करो A24, A4th of October, डी, ये मैं आपको लाइव बता रहा हूँ जो लाइव चलता है काम, जब आप लाइव जाओगे मार्केट में तो लाइव क्या काम चलता है, दिल्ली से वाई बाय जेड चेक करो, /AC एंटर करो, इसको वाई बाय जेड को हटा के आप करो YBR करो, वाई वाई वो करो YYUL /AC नहीं। अच्छा अगर हम इस पे देखें, अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको माया जो क्योंकि मुझे W क्लास खोल लिया टीम, I will check कि क्या स्टेटस है A 4th of October, अब मैं मैनुअल कनेक्शन लगाऊंगा, लिखो नाउ, लिखो इन दैट केस नाउ विल कंबाइन मैनुअल कनेक्शंस, अब मैं अलायंस का बाय डिफॉल्ट कनेक्शन नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूं कि मुझे W क्लास मिल जाए, टीम समझ आ रहा है आपको, नाउ आई विल चेक मैनुअल कनेक्शन, मैनुअल कनेक्शन में क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मैं अपनी फ्लाइट को पहले लुफ्तांजा पे फ्रैंकफर्ट लेके जाऊंगा, कहां लेके जाऊंगा, फ्रैंकफर्ट लुफ्तांजा, लिखो बिकेस, लिखो बिकेस लुफ्तांजा एयर कैनेडा एंड स्विस एयरलाइन, मतलब LH प्लस AC एयर कैनेडा प्लस LX आपस में कंबाइन होती हैं, लुफ्तांजा प्लस प्लस LX स्विस एयरलाइन, हम इसका एक आपस में मिक्स करेंगे फ्लाइट को, समझ आया टीम, प्लस एरिया डोमेस्टिक लिखो, लुफ्तांजा प्लस LX प्लस AC प्लस एयर इंडिया डोमेस्टिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एयर इंडिया डोमेस्टिक टीम, हम लोग क्या करेंगे सीटें चेक करने के लिए, अब दिल्ली से सीटें नहीं आ रही हैं, अभी नॉर्मल सीटें बता रहा हूँ, पहले मैं फ्रैंकफर्ट चेक करता हूँ, ए करो ए, डेट 4th of October, DEL FRA /LH लुफ्तांजा, समझ आ रहा है बच्चे, यहाँ पे स्लैश क्योंकि स्पेसिफिक एयरलाइन है मेरे पास, /LH लुफ्तांजा, यहाँ पे कोई डब्ल्यू नहीं है, वी क्लास, यहाँ पे डब्ल्यू आ रही है टीम, सेकंड में आ रही है, बड़ो कोर्स है, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा करो 5th October करो, अभी एक दिन आगे चेक करो, आ रही सीटें ए 5th October, समझ आ रहा है, सीटें ढूंढनी आपने, DEL FRA /LH एंटर कर दो, अब चेक करो कि मुंबई से फेमस सिटी आ रही है, चेक करो ए, अगर दिल्ली से नहीं आ रही है तो मुंबई चेक करो ए 4th of October, BOM FRA / लुफ्तांजा एंटर करो, मुंबई से आ रही है ना W क्लास, आ रही है, तीन सीटें पड़ी हैं W क्लास में, आप में पड़ी है, उठाओ अब मुझे चेक करना है कि फ्रैंकफर्ट से टोरंटो क्या स्टेटस है फ्लाइट का, करो ए 4th of October, बच्चे समझ आ रहा है आपको, FRA YYZ /LH एंटर, सिक्स्थ क्लास हारी
ठीक है, वेरी गुड। अब टीम मेरे को क्या पता लगा इससे, 11th पे दिखा रहा है फ्रैंकफर्ट से म्यूनिक डब्ल्यू क्लास और म्यूनिक से मॉन्ट्रियल डब्ल्यू क्लास दिखा रहा है, दिखा रहा है आपको टीम, दिखा रहा है। इट मींस मैं फ्लाइट को अगर फ्रैंकफर्ट ना लेके जाऊं, मैं म्यूनिक ले जाऊं, बट आई हैव टू चेक कि म्यूनिक में क्या डब्ल्यू क्लास है, क्योंकि म्यूनिक से मॉन्ट्रियल आपकी डब्ल्यू क्लास पड़ी हुई है, दिख रहा है आपको मॉन्ट्रियल, क्योंकि हमारे तीन ऑनलाइन पॉइंट्स हैं, टोरंटो, मॉन्ट्रियल एंड वैंकूवर। समझ आ रहा है टीम आपको, क्लियर? तो मतलब क्या है इसमें, देखो मैंने दिल्ली फ्रैंकफर्ट चेक किया, डब्ल्यू क्लास आ रही है, क्लियर? बहुत ध्यान समझना, फ्रैंकफर्ट से थीटे नहीं आ रही है, बट जब मैंने फ्रैंकफर्ट को मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो वो दिखा रहा है कि हम फ्रैंकफर्ट से लेकर फ्लाइट को म्यूनिक एंड म्यूनिक टू मॉन्ट्रियल। इट मींस मैं अगर अपनी फ्लाइट को दिल्ली म्यूनिक ले जाऊं डायरेक्ट एंड म्यूनिक से मॉन्ट्रियल है भी डब्ल्यू क्लास आपकी टीम, तो इग्नोर करो, आई एंटर करो। अब आप करो ए स्टेट डी ई एल एम यू सी स्लैश एल एच, एंटर करो। यहां पर डब्ल्यू क्लास नहीं पड़ी, एक दिन आगे करो ए 5th ऑफ अक्टूबर डी ई एल एम यू सी स्लैश एल एच, एंटर करो। सिर्फ फ्रैंकफर्ट से नहीं आप देखेंगे क्या, दिल्ली से देख रहे हो आप? मुंबई से, मुंबई से करो ना। 5th of October, 4th of October BOM MUC slash LH, एक दिन आगे करके देखो। 4th of October क्या है, 5th of October BOM slash LH, सर फ्रैंकफर्ट से नहीं, म्यूनिख से देखेंगे हम। यहाँ पे सबसे लोवेस्ट फ्लाइट खुल गई एस क्लास, खुल गई टीम सर, अभी एक नीचे खुली है यहाँ पे एस क्लास, हम तो डब्ल्यू ढूंढ रहे थे बट यहाँ पे एस क्लास खुली है, हम एक डब्ल्यू उठा के देखते हैं। लेकिन उठाने से पहले आप ये चेक करो कि म्यूनिख से मॉन्ट्रियल सीटें कौन सी उस पर आ रही है क्लास पे, म्यूनिख से मॉन्ट्रियल चेक करो ए 5th of October एम यू सी YUL slash Lufthansa, एंटर करो। सीटें खुली हुई हैं, वाह मतलब अब तो मार्केट बीट हो जाएगी, कितना वेरिएशन आएगा 88 मे बी। मैं किसी वेबसाइट का नेम नहीं लूंगा क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग पे सेशन, क्या आपका वेबसाइट पे वी क्लास ना हो अवेलेबल और महंगी क्लास हो, टीम दैट हाउ वी कैन वर्क, मेरे को सबसे सस्ती क्लास ढूंढनी है, हमने क्या किया, बनाओ कनेक्शन, फिर फटाफट बनाओ कनेक्शन। यहाँ पे क्या करेंगे, मुंबई से म्यूनिक लुफ्थांसा उठाओ N1S1AK, फटाफट N1S1AK एंटर करो, स्टार आर करो। अगर मैं थोड़ा सा और गेम खेल के देखूं कि मैं चेक करूं म्यूनिक से तो विनिपेग में सीटें आ रही है, क्योंकि ये पता लग गया कि विनिपेग मॉन्ट्रियल की सीटें आ रही है, और मॉन्ट्रियल से विनिपेग सीटें बाय डिफॉल्ट डोमेस्टिक है, वो खुली होगी सीटें क्योंकि डोमेस्टिक बहुत सारी फ्लाइट जाती हैं, क्लियर? अगर मैं चेक करूं ए 5th of October बच्चे समझ आ रहा है जैस्मिन, एम यू सी वाई डब्ल्यू जी विनिपेग ब्रैक लगेंगे, वाई डब्ल्यू जी स्लैश एल एच, चलो हम फिर ऐसे उठा लेते हैं, रोयो उठा लेते हैं सर, वाई यू उठा लो, वाई यू एल स्लैश एल एच, डब्ल्यू क्लास उठा लें सर, अच्छा इसमें डब्ल्यू आ रही है फिर यहाँ पे डब्ल्यू उठेगी, इग्नोर करो क्योंकि हमने यहाँ पे एस उठाई है ना टीम, तो यहाँ पे हम क्या उठाएंगे ए, तो कमांड यूज नहीं कर सकते एक्टिवेट होना, नहीं नहीं वो चेंज नहीं होगी, एक ही मोड है ना, मुंबई से एमयूसी
स्लैश एल एच एंटर उठाओ N1W1 AK AK एंटर उठाओ म्यूनिक से उठाओ आप फ्लाइट स्टार आर करो म्यूनिक से फ्लाइट उठाओ आप YULT 5th ऑफ़ अक्टूबर MUCYUL स्लैश वेरी गुड उठाओ आप फिर इसमें सर स्टे हो तो गई कोई बात नहीं देखते हैं N1W1 AK सर एक अलग ही मतलब से स्टार्ट आर